कनेक्ट कर दिया, जैसा यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ जो ले रहा है तुम्हारे को 0.06 का लो लीकेज ले रहा है। क्या ले रहा है ये? 0.06 का लो लीकेज ले रहा है, मतलब इसके अंदर क्या कंडीशन के अंदर है? ये शॉर्टिंग के अंदर है। क्या है ये? शॉर्टिंग के अंदर है। तो वीबैक में जो है, अगर वीबैक के अंदर आपको शॉर्टिंग होता तो सीधा हाई एम्पियर लेता, ठीक है, एम्पियर जो है हाई लेता। तो यहाँ एकदम क्या हो रहा है, लो लो के अंदर ले रहा है। तो पहले चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट चेक करेंगे यहाँ वीबैक लाइन के ऊपर, चेक करेंगे वीबैक के अंदर, चेक करेंगे जैसा वीबैक के अंदर यहाँ चेक करेंगे जो पॉजिटिव पॉइंट पे, ठीक है, कितना जी आ रहा भाई इधर? 474। तो इसको जैसा मैं रिवर्स करके देखा तो रीडिंग कितना आ रहा है? 1700। कितना आ रहा है ये? 1700। तो मगर वीबैक की लाइन अपना क्या है ये? ओके, ठीक है, इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है। तो उसके बाद स्टेप टू के अंदर चेक करेंगे अपन सीधा इसका जो है BPH की लाइन के अंदर चेक करेंगे। यहाँ देखेंगे इस मोबाइल के अंदर ऑलरेडी कोई CPU को क्या कर दिए, इधर छेड़ रिवॉल्व कर दिए। तो इसका जो साइड का ग्लो है, इधर जो दिख रहा है तुम्हारे को, ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर अभी अपने को दिख रहा है, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे इसके अंदर, ये वाला पार्ट के अंदर यहाँ जो दिख रहा है इसका नीचे के तरफ वो जो है यहाँ इधर से कॉइल लगा हुआ दिख रहा है ये। तो अभी मैं टीन काट देता हूँ इसका, कटर दे। तो यहाँ जो दिख रहा है तुम्हारे को BPH की कॉइल, बहुत ज्यादा दिख रहा है ये BPH कॉइल। और इसके साथ में दिखेगा तुम्हारे भी एक सीरीज की कैप। तो यहाँ देखेंगे इसके ऊपर 338 रीडिंग आ रहा है, इसके बगल में देखेंगे इधर साइड भी अपने को GR शो कर रहा है। और ये कॉइल के साथ एक तरफ क्या होगा, ये कनेक्टेड रहेगा, दिख रहा है ये कनेक्टेड है इसके साथ, मतलब ये हो गया तुम्हारा क्या है ये BPH की कॉइल। तो यहाँ बनना चाहिए अपने को 4 वोल्ट की सप्लाई। तो पहले यहाँ चेक करेंगे इसके ऊपर जो है 336 की रीडिंग आ रहा है, कितना रीडिंग आ रहा है ये 336। और इसको जैसा रिवर्स कर दिए तो इस लाइन के अंदर आ रहा है अपने को 1700 की रीडिंग आ रहा है, मतलब BPH के अंदर जो है अपने को ऑयल तो शो नहीं कर रहा है, मतलब 1700 की रीडिंग शो कर रहा है, हाई रीडिंग शो कर रहा है, मतलब यहाँ भी कोई शॉर्टिंग हाई शॉर्टिंग तो इधर भी नहीं है। तो अभी आगे जाके देखेंगे सर्किट को इसके अंदर, यहाँ इसका सभी पार्ट्स को जो है प्रॉपरली आइसकैनिंग करेंगे ताकि कोई ऑलरेडी काम करेगा। तो और एक चीज भी देख लेना, जो वीबैक में शॉर्टिंग शो कर रहा है आपको, अगर कभी कभी क्या होता पीएच जो है जल जाता है, हल्का सा इसको होल गिर जाता है, तो क्या होता है ये लीकेज के अंदर, लो लीकेज के अंदर चले जाता, ठीक है। तो ऐसी को ऑब्जर्वेशन करना, 2GPA को देखना पहले, ठीक है, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपने को ओके है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे ये वाला आईसी के अंदर, ये वाला आईसी के अंदर देखेंगे, इसके बगल में देखेंगे सारा जो है, इसके बगल में जो कंपोनेंट का कलर क्या हो गया, ये शेडिंग के अंदर आ गया। कैसा है ये? शेडिंग के अंदर आ गया, मतलब ये एक वाटर डैमेज हुआ सो मोबाइल है। कौन सा मोबाइल है ये? वाटर डैमेज। हो सकता है ये आईसी के नीचे पूरा पानी लग के जो है इसका ब्लैक कलर जो है बन के इसका पूरा ये लीकेज के अंदर ले रहा है। तो अभी इसका अगल बगल का सारा क्या आप सभी चीज चेक करेंगे। तो ये तो है सारा BPH की सप्लाई होगा, यहाँ तो कोई शॉर्टिंग है नहीं। तो इसको मैं यहाँ चेक करेंगे, ये तो BPH की सप्लाई है, कोई शॉर्टिंग है नहीं। तो यहाँ चेक कर लेते आएंगे इसके ऊपर वाला कैप्स को चेक करेंगे इसका, ठीक है, यहाँ तो कुछ चीज है नहीं। तो ये वाला कैप्स को, सभी कैप्स को देख लेना अगर कोई लाइट शॉर्टिंग में दिख रहा है। तो ये वाला लाइन देखो, ये
क्या हो गया ये कैसा दिख रहा है ये शॉर्टिंग क्या हम लोगों ने नहीं दिख रहा है तो अभी दिख रहा है तुम्हारे भी ठीक है तो कुंडल जरा बताना भाई ठीक है नहीं दिख रहा है ठीक है यहाँ देखेंगे ये वाला कैप देखो ये शॉर्टिंग के अंदर दिख रहा है ये वाला कैप शॉर्टिंग के और यहाँ भी देखेंगे और ये चीज ऑब्जर्व करना ये वाला रेस्टेंट जो है इधर इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ देख सकते हैं ये रेस्टेंट क्या हो गया ये शॉर्ट काला ठीक है ओपन हो गया ये ठीक है क्या हो गया ये रेस्टेंट जल के बीच में हल्का सा जल के क्या हो गया ये ओपन हो गया इधर ठीक है और इसको देखेंगे आगे जाके तो ये ओपन हो गया और ये वाला सारा कैप जो है अपने वो शॉर्टिंग के अंदर चल रहा है तो ये वाला कवर के ऊपर चेक करेंगे ये भी क्या है ये शॉर्टिंग के अंदर है और उसके बाद अभी दिख रहा है तुम्हारा क्लियर ठीक है तो ये वाला कॉइल जो है एक पॉइंट दिख गया अपने को शॉर्टिंग के अंदर है बाकी का सब चीज चेक करेंगे यहाँ जी आर वैल्यू शो कर रहा है यहाँ भी जी आर वैल्यू यहाँ भी शो कर रहा है यहाँ भी अपने को जी आर वैल्यू शो कर रहा है 150 यहाँ देखेंगे ये वाला भी चीज भी जो है पूरा शॉर्टिंग के अंदर बीप के साथ 000 शो कर रहा है तो इसके बगल में देखेंगे ये वाला पॉइंट 142 है और इधर चेक करेंगे अपने को 320 और ये वाला पॉइंट देखेंगे 215 और यहाँ देखेंगे एक लो रीडिंग हो सकता है इसके अंदर 485 का हाई रीडिंग मिल रहा है ठीक है तो ये वाला पॉइंट भी कोई शॉर्टिंग है नहीं तो ये सारा पॉइंट के अंदर सिंपल सा चीज है एक पॉइंट ये शॉर्टिंग के अंदर कनेक्टेड है और इसी के साथ कनेक्टेड होंगे ये कैप्स इसलिए जो है ये भी अपने को तो पहले क्या करेंगे इस ऐसी क्या करेंगे भाई लिफ्ट करेंगे तो पहले इसको मैं लिफ्ट कर देता हूं अभी दिख रहा है दिख रहा है अब दिख रहा है तो इसको उड़ा दिए तो देखेंगे पीछे की तरफ जो है इसके अंदर कोई वाटर डैमेज तो हेवी नहीं लग रहा कुछ लग रहा है क्या इसके अंदर कुछ नहीं लग रहा है तो एसी के ऊपर देखेंगे एसी के ऊपर भी फ्रेश ही है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको पहले मैं डिसऑर्डर कर देता हूँ जैसा इसको पावर को हटा दिया अपन तो हटा देने के बाद चेक करेंगे यहाँ इस कनेक्शन के अंदर जो है अभी ये वाला जो है कॉइल के पास चेक करेंगे यहाँ अपना शॉर्टिंग जो है क्या हो गया हट गया। और एक चीज देखेंगे ये वाला जो रजिस्टर है इसका रजिस्टर का क्या काम है क्या बात कर रहा है ये ओपन है ठीक है तो यहाँ देखेंगे इस आईसी के अंदर जरा कैमरा इधर ये चीज लेना फिर तुम तो यहाँ देखेंगे इसके अंदर अभी यहाँ जो कॉइल अपना शॉर्ट था ये वाला कॉइल L206 अभी इसको मैं यहाँ पेश कर देंगे तो इसके अंदर ये वाला जो शो कर रहा है ये S1 वाला है S1 जो होता है अपना क्या होता है हाई रेडियो ठीक है S1 क्या होता है अपना हाई रेडियो अगर हाई रेडियो शॉर्टिंग के अंदर है तो इसे पहले भी अपन एक फोन बनाए थे जो 6A का मोबाइल किसका बनाए थे भाई 6A का मोबाइल बनाए थे तो उसके अंदर क्या चीज निकला था अपने को क्या निकला था जीरो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया ओपन होके निकला था
तो यहाँ देखेंगे वीएस वाईएस के अंदर जो बीपीएच की लाइन के अंदर R2001 का रजिस्टर को यहाँ ओपन करेंगे। तो जैसा आपको हाई एलडी वो शॉर्ट दिखता है तो ये वाला रजिस्टर को मॉइस्चराइज़ शो क्या करना है, चेक करना है। तो ये वाला रजिस्टर को एक बार चेक करेंगे R2001। ये इसका लोकेशन जो है आईसी का बगल में यहाँ है। तो ये वाला रजिस्टर को यहाँ देखेंगे तो ये ब्लैक कलर के अंदर जो दिख रहा है बीच में जो है आपको दिख रहा होगा ये क्या हो गया, ये ओपन के अंदर है। ठीक है, क्या हो गया ये ओपन ओके है। तो ये वाला रजिस्टर का प्लेस में अगर ये रजिस्टर ओपन हो गया तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इसको बिना शॉर्ट करे आप कोई भी पावर एसी दूसरा डालो तो आपको तुरंत फिर क्या होगा आईएलडी वो फिर से शॉर्ट हो जाएगा। तो ये सारा स्टेप जो है तुम्हारे को पहले ही बता हुआ है। ठीक है, इससे पहले ही मैं जब चेकिंग के अंदर ऑलरेडी इसके बारे में बताया था और आपको ये पॉइंट लिखाया भी था। अब इसके अंदर चेंज करेंगे दूसरा एसी और ये चीज भी चेक करेंगे जैसा पावर हटा दिए तो अपने को जो लो लीकेज शो करा था। ठीक है, उसको भी क्या करेंगे चेक करेंगे ताकि इसके साथ हट गया या नहीं हट गया। तो डीसी के अंदर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ अभी देखेंगे अभी इसके अंदर दिख रहा है आप लोगों को। तो अभी एक बार कैमरा मैं ऊपर कर देता हूँ, दिख रहा है नहीं सर। तो अभी कोई भी टाइप ऑफ लीकेज नहीं, तो अभी इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर पावर। ठीक है, तो अभी मैं इसको पावर जो है दूसरा ले लेता हूँ, एक दूसरा पावर जो है ऑलरेडी इसके अंदर रिबोर्ड या मेरे पास और एक दूसरा पावर है। तो ये वाला पावर को यहाँ लगा के चेंज कर दूंगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कमाल है।
तो अभी चेक कर लेंगे यहाँ जो है एक बार हेडली वो को चेक करेंगे जैसा पावर डाल दिया अपन तो यहाँ देखेंगे या तो कोई शॉर्टिंग है नहीं ओके हो गया लाइन अपना और यहाँ भी शॉर्टिंग बताया था आपने ये वाला लाइन भी चेक करेंगे ये भी अपने क्या हो गया ओके हो गया ठीक है मतलब जो है इसका पावर अपना ओके इसको चेक करेंगे तो जैसा चार्जिंग कर रखा है किसका फोन भाई किसका फोन था ये आपका फोन ठीक है तो अभी जो बना है इसके अंदर फॉल्ट समझ के बनाए ठीक है तो ये ऑलरेडी ऐसा फॉल्ट ऑलरेडी भी बताया मैं आपको तो ये कोई फेक वीडियो तो नहीं है इसका फोन तो तुम लोग का ही है ना तो घर से तो नहीं लाया भाई ठीक है पहले ही घर से ला लिया क्या ठीक है अकेले जाके रूम में बनाया क्या हमारा साहब तो जीनियस है सर जीनियस है सर क्या बोले जीनियस नहीं है कोई जीनियस नहीं है भाई ठीक है तो जैसा ये सारा चीज जो है सिर्फ चेकिंग पॉइंट्स आपका परफेक्ट है तो ऐसा काम करना बहुत इजी है ठीक है तो बहुत इजीली ये काम आप लोग कर सकते हैं ठीक है तो इसको मैं अभी साइड कर देता हूँ चलो क्लोज कर दो अभी